नहीं यार अब समय हो गया नहीं। अरे सब लोग भी सब भूखे बैठे हैं काहे के लिए सब लोग। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने के लिए खड़े हुए आपकी अनुमति से, मुझे लगता है कि उन्नाव की घटना ने एक बार फिर हमको, आपको, उत्तर प्रदेश को, पक्ष को, विपक्ष को, सबको देश दुनिया के सामने बदनाम किया है। मैं क्योंकि माननीय सदस्य उन्नाव के बारे में जब घटना का जिक्र कर रहे थे, क्योंकि उन्नाव कोई इकलौता जिला नहीं है, पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, केवल उन्नाव ने बदनामी नहीं कराई है, पूरी दुनिया में, पूरे उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है उससे हम भी परिचित हैं, आप भी परिचित हैं। मैं अगर एनसीआरबी के क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2019 के अनुसार पिछले सालों में जो महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं वो 23% बढ़ोतरी हुई है, ये मान्यवर देश की है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने इसको 2 गुना कर दिया है, और वो जो आंकड़े हैं वो 66.7, ये ऐतिहासिक ऊंचाई छुई है। मान्यवर मैं क्योंकि आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, आंकड़ों में सरकारें फंसेंगी, मैं अपना दर्द कहने और उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों की बात करने के लिए खड़ा हुआ। मान्यवर ये बात मैंने पहले स्वीकार कर ली और मैं स्वीकार कर रहा हूं, यह सिर्फ अपमान सरकार का नहीं है, ना यह शर्म की बात केवल सरकार की है, यह हमारे भी शर्म की बात है, हम भी विपक्ष में हैं। हम शायद उन बेटियों के न्याय के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए, उनको बचाने के लिए, उनकी इस्मत बचाने के लिए, उनकी जान बचाने के लिए शायद हम फेल हो रहे हैं। हम सदन में अपने आप को स्वीकार कर रहे हैं कि हम फेल हो रहे हैं उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों की आबरू और उनकी जान बचाने के लिए। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाथरस की घटना पूरी देश दुनिया में, उत्तर प्रदेश को बदनामी मिली, और वो हाथरस की घटना में क्या कहा गया मान्यवर, कि अंतिम संस्कार भी बेटी का बलात्कार है। और उसी घटना के बाद बलरामपुर के बाद आजमगढ़, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, हम कितने जिले बताएं, क्यों नहीं न्याय मिल पा रहा है? न्याय सिर्फ इसलिए नहीं मिल पा रहा मान्यवर कि जब सरकार को फैसला करना चाहिए कि हम बलात्कारियों के खिलाफ हैं, तब सरकार पैरवी करने लगती है बलात्कारियों के पक्ष में। क्या हमने, आपने, देश दुनिया ने नहीं देखा, यही भारतीय जनता पार्टी हाथरस में उन दरिंदों के पक्ष में खड़ी हो गई, हाथरस में एक पुलिस के बड़े अधिकारी, हम तो मानते हैं कि पुलिस की मोच होती है, वो मोच वाला अधिकारी रिपोर्ट आने से पहले कह देता है कि बलात्कार नहीं हुआ, और जब सीबीआई की रिपोर्ट आ गई, मेडिकल रिपोर्ट आ गई, तो क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की, उसको जेल में भेजा, नहीं भेजा? अगर नहीं भेजा तो फिर उन्नाव जैसी घटनाएं आप कैसे रोक लेंगे मान्यवर? मान्यवर 2 साल में उन्नाव में 9 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनकी चर्चा या जिसके वजह से उन्नाव को, हमको, आपको, सबको 9 घटनाएं बड़ी ऐसी हुई हैं कि दुनिया के सामने संसार होना पड़ा है। और मैं एक और सवाल खड़ा करता हूं सरकार से, वो मेरे मन की आशंका है, शंका है, गरीबों की शंका है, दलितों की, पिछड़ों की है। अगर मैं उन्नाव की घटना का जिक्र करूं, 2 साल पहले एक बेटी को, दलित बेटी को पेट्रोल डाल करके जला दिया गया, 12 सगवर थाने की घटना। फिर बिहार थाना एक उन्नाव में है, बेटी को जिंदा जला दिया गया, और सरकार में शामिल लोग और सरकार के लोग उस बेटी को जलाने वालों के पक्ष में खड़े हो गए। हमने इस सदन में आवाज उठाई थी मान्यवर। उसके बाद क्या हुआ, उन्नाव के एक हसनगंज थाने की घटना मान्यवर, बेटी का मामला है, उसने जब पुलिस ने नहीं सुना तो पुलिस कप्तान के ऑफिस के सामने उसने आत्मदाह कर लिया।
अब उन्नाव की जो घटना है थाना असोहा बबुरहा गांव की, हम लोग कल गए थे मानवर, हम लोगों को अपने क्षेत्र में अपने गांव में रोक दिया गया। 2.5 किलोमीटर पैदल हम लोग चल करके गांव में गए। मानवर गरीब परिवार जो मजदूरी करके जिसका पिता घर का खर्चा चलाता है, बच्चों को पालता है, 3 बेटियां अपने खेत में किस अवस्था में मिली? 2 हमारे हाथ के बीच नहीं है, 1 जीवन और मौत से खेल रही है। हम तो अनुरोध करेंगे सरकार से कि उसको अच्छे अस्पताल में इंतजाम कराएं, लेकिन पुलिस क्या कर रही है? पुलिस ने नहीं बताया कि पोस्टमार्टम में रिपोर्ट क्या आई है, या जो बेटी बची है, हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो बच जाए, सच सामने आ जाएगा। लेकिन सच सरकार दबाना चाहती है, क्या सच सरकार उस बेटी की जान लेकर के दबाना चाहती है? और मान्यवर मैं एक बात कहूंगा कि जो माहौल है उत्तर प्रदेश में, ये नहीं कि केवल विपक्ष के लोगों के घर में बहन बेटियां चर्चा करती हैं, सत्ता पक्ष के लोग, पत्रकार, जितने भी लोग हैं, आज उत्तर प्रदेश में किसी की बेटी अगर सूर्यास्त से पहले घर ना आए तो लोग फोन करके पूछते हैं। अभी नेता सदन, नेता विरोधी दल को भी बोला, अपनी बात खत्म कर दूं, नेता सदन को उत्तर देना है। नहीं, माहौल ऐसा है सर, मान लो कि उत्तर प्रदेश बीहड़ हो गया है, आपकी पूरी बात जंगल हो गया। साजन जी, आपने इतनी खूबसूरती से अपनी बात रख दिया है। खूबसूरती से नहीं रख रहा हूँ, मैं तो दर्द रख रहा हूँ। दर्द है सर, दर्द खूबसूरती नहीं हो सकता। नहीं नहीं, बात कहने का ढंग नहीं हो सकता है। मान्यवर मैं केवल आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि सरकार और उन्नाव पुलिस जिस तरीके से उस केस को दबाना चाहती, गुमराह करना चाहती है, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या मैसेज देना चाहते हैं बेटियों को? मुझे लगता है नेता सदन के घर भी पूछा जाता होगा कि आखिर ऐसी दहशत क्यों है, क्योंकि दहशत तो सभी बहन बेटियों में है। मैं अपनी बात खत्म करूंगा, उससे पहले जो मेरे मन में आशंका थी मैं कहूंगा। मान्यवर, जो उन्नाव की मैंने 9 घटनाएं बताई हैं, इसमें ज्यादातर घटनाएं या तो दलित परिवार की हैं या पिछड़ी जाति की हैं। तो आखिर ऐसा कौन सा माहौल बन गया 4 सालों में कि दलित की बेटी और पिछड़ी जात की बेटियों के साथ उनकी जान लेने के लिए, उनको जलाने के लिए, उनकी आबरू से खेलने के लिए, आखिर लोगों के मन कैसे बढ़ गए हैं? इस सरकार में मैं कह रहा हूं बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, और उनमें भी जो दलित परिवार की और पिछड़ी जाति की है वो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। मैं इस गंभीर मुद्दे पर मैं चाहता हूं कि चर्चा कराए जाने की मैं मांग करता हूं। बहुत बहुत आनंद भदौरिया जी, आपने 30 सेकंड रखा है, लेकिन एक